हेलो स्टूडेंट, तो आज ये हमारा पार्ट टू है, चैप्टर नंबर 10। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, तो उसी का आज हम ये सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है एक्यूरेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था स्टूडेंट के एक्यूरेट मेजरमेंट की क्या इम्पोर्टेंस होती है, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्यूरेट मेजरमेंट क्या किया गया है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिसाइड किया गया है कि अगर हम किसी चीज़ को का वेट कर रहे हैं तो वेट के लिए क्या मेजरमेंट रहेगा, किसी चीज़ की लेंथ पता कर रहे हैं तो लेंथ पता करने के लिए क्या मेजरमेंट रहेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की क्या किया गया स्टूडेंट, एक फिक्स यूनिट की गई है, एक फिक्स मेजरमेंट किया गया है, और उसी को बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये क्या किया गया है, डिसाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने क्या बोला है, सर्टन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब सारी दुनिया के लोगों ने ये क्या किया गया है, डिसाइड किया गया है कि एक मेजरमेंट बनाया जाए, एक यूनिट बनाई जाए। द यूनिट्स यूज टू मीज़र टाइम, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर द सेम एवरीवेयर। मतलब आप देखोगे, आपके पास मोबाइल होगा तो आपके जितने भी घर में लोग रहेंगे सबके मोबाइल में सेम टाइमिंग होगा। ऐसे ही मास की बात करेंगे आप, मतलब वेट लेंगे, तो कोई चीज़ आप यहाँ पे 1 किलो की ले रहे हैं तो आप मुंबई में जाओगे, नासिक में जाओगे या बाहर जाओगे तो वहाँ पे भी उस चीज़ का वेट 1 ही किलो रहेगा। वॉल्यूम की बात करोगे तो 1 लीटर वाटर जितना आपको मालेगांव में मिलेगा, दूसरी तरफ भी आप जाओगे तो 1 लीटर के अंदर उतना ही वाटर मिलेगा, उतना ही आपको मिल्क मिलेगा। टेम्परेचर की बात करोगे तो अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर इंडिया में 37 डिग्री हम बताते हैं तो हमारे इंडिया के बाहर के जो कंट्री रहेंगे वहाँ पे भी 37 डिग्री बताएंगे। तो स्टूडेंट ये सारी ऐसे यूनिट्स है जो फिक्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दीज यूनिट्स आर नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो इसको, कि जो ऐसे यूनिट्स होती है जो फिक्स कर दी गई है उनको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द यूनिट्स इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम आर कॉल्ड SI यूनिट, और इनको और क्या बोला जाता है, SI यूनिट, और SI का फुल फॉर्म क्या है, SI इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, है ना। सिस्टम इंटरनेशनल को जो शॉर्ट में क्या कहा जाता है, SI, है ना। तो आप याद रखो SI मीन्स क्या, सिस्टम इंटरनेशनल आपको पेपर में आ सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SI, तो SI का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। नेक्स्ट पैरा देखो, द मीटर इज अ SI यूनिट यूज फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है उसको क्या बोला जाता है, मीटर। जैसे आपने देखा होगा आपके पास जो स्केल, आप उसको मीटर स्केल कहते हैं। आप मार्केट में कपड़ा लाने जाओगे तो आप बोलेंगे 1 मीटर कपड़ा दो, 2 मीटर कपड़ा दो, 3 मीटर कपड़ा दो। तो मीटर क्या है, ये लेंथ मेजर करने की यूनिट है। नेक्स्ट क्या बोला है, द SI यूनिट फॉर मेजरिंग मास, मतलब वेट लेने की जो SI यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है। फॉर मेजरिंग टाइम इज सेकंड। अब टाइम हम आवर्स में भी बोलते हैं, मिनट में भी बोलते हैं, वीक में होता है, डे में होता है, ईयर्स में होता है, लेकिन SI यूनिट जो बनाई गई है वो क्या है, सेकंड, है ना। एंड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन। अब टेम्परेचर भी बहुत सारी यूनिट में मेज़र किया जाता है, डिग्री सेल्सियस होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन जो SI यूनिट है वो क्या है स्टूडेंट, केल्विन, है ना। SI यूनिट क्या है, केल्विन। ये टेम्परेचर की सबसे छोटी यूनिट है, इससे बड़ी होती है फ़ारेनहाइट और उससे बड़ा होता है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, है ना, ठीक है। उसके बाद के पैरा में क्या बोला है, देखो के द यूज़ ऑफ SI यूनिट हैज़ मेड द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ईजी। और ये सारे यूनिट बताने से स्टूडेंट हमको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, हमारे लिए बहुत सारे चीज़ों को मेज़र करना आसान हो गया।
इट हैज़ ऑल्सो मेड द कंपेरिजन ऑफ मेजरमेंट कन्वीनियंट. इट इज़ नाउ पॉसिबल टू मेक थिंग्स हैविंग द सेम डायमेंशन वर्ल्ड ओवर. फॉर एग्जाम्पल, अ बल्ब ऑफ सर्टन काइंड विल हैव द सेम फीचर नो मैटर इन विच कंट्री इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड. सच बल्ब विल नॉट ओनली हैव द स्मॉल साइज, सॉरी नॉट हैविंग द सेम साइज बट विल हैव आउट द सेम अमाउंट ऑफ लाइट. यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट कि एक्यूरेट मेजरमेंट का हमको यह फ़ायदा हुआ कि अगर एक बल्ब हम बना रहे हैं तो जो बल्ब जितना उसका वेट रहेगा, जितनी वो लाइट देगा, जितनी वो हीट कंज्यूम करेगा, हीट गेन करेगा या हीट इवॉल्व करेगा, वो सारी की सारी चीज़ें जितनी जो क्वालिटी उसके अंदर यहाँ पे हमारे मालेगांव में रहेंगी ना, तो बाहर वो इसी लाइट को, अगर वही सेम लाइट हम बाहर से ले रहे हैं तो उसके अंदर वही क्वालिटी हमको क्या होंगी वहाँ पे भी मिलेंगी. ऐसा क्यों? क्योंकि एक एक्यूरेट मेजरमेंट के थ्रू उसको बनाया गया है और एक्यूरेट मेजरमेंट के थ्रू बनाया गया है तो उसकी जो क्वालिटी रहेंगी और उसकी जो फीचर्स रहेंगे वो हर जगह क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, उसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, है ना. तो ये बेनिफिट होता है एक्यूरेट मेजरमेंट का. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो, द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल ने लेंथ के लिए कौन सी यूनिट बनाई है वो हमको यहाँ पे देखना है. तो क्या बोला है, देखो, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट. लेंथ क्या होता है, दो पॉइंट अगर हम लेते हैं, जैसे एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना है तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि ये क्या है, लेंथ है ना, उसको मैं क्या बोलूँगा कि ये लेंथ है. जैसे आप मार्केट में कपड़ा लाने जाओगे तो आप उसको बोलेंगे एक मीटर, तो वो एक मीटर की जो उसके स्केल है वो एक मीटर की स्केल लगाएगा, स्टार्टिंग से एंडिंग के पॉइंट पे क्या करेगा, कट मार देगा. ऐसे नहीं है ना कि एक मीटर आप बोलेंगे तो वो कितना भी आपको काउंट करके दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं है. उसके पास मीटर स्केल होती है, वो मीटर स्केल से एक मीटर कट करके आपको देगा. इट हैज़ सेवरल डेसिमल मल्टीपल. व्हाट आर द डेसिमल मल्टीपल ऑफ मीटर, मतलब मीटर तो एक एसआई यूनिट है लेकिन उससे छोटी भी बहुत सारी यूनिट होती है और उससे बड़ी भी बहुत सारी यूनिट होती है, ये हमको यहाँ पे क्या करना है, देखना है. तो चलो देखते हैं अपने, जैसे अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ कि मीटर, लेकिन इससे छोटी यूनिट आपको मिलेंगी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और अगर मीटर से बड़ी यूनिट आप देखोगे तो मीटर से बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर, है ना. तो ये सारे जो है ना, ये डेसिमल है. किसका डेसिमल है, लेंथ के, या फिर मीटर जो होता है एक स्केल, एक यूनिट जो होती है उसकी छोटी, उससे छोटी यूनिट्स भी होती है और उससे बड़ी यूनिट्स भी होती है ना. ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया स्टूडेंट जो आपको आपके घर पे परफॉर्म करना है. एक्टिविटी में क्या बोला है, देखो, द रूलर यू यूज हैव सेंटीमीटर मार्क ऑन इट. आपके पास इस तरीके की एक स्केल होगी, एक रूलर होगा, उसके ऊपर आपको लाइनिंग दिख रही है ना. अब क्या बोला है, देखो, अ सेंटीमीटर इज़ अ यूनिट यूज फॉर मेजरिंग लेंथ. सेंटीमीटर जो है वो लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ की जाने वाली यूनिट है, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है. एसआई यूनिट कौन सी है, मीटर. सेंटीमीटर जो है वो मीटर से छोटी यूनिट होती है ना. अब यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी सेंटीमीटर डज यूर रूलर हैव, मतलब हमारी स्केल पे कितने सेंटीमीटर है. तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टूडेंट के एक से लेके 15 तक हमारी स्केल के ऊपर क्या है, मार्किंग है, मतलब हमारी स्केल कितने सेंटीमीटर की है. तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 15, कितने सेंटीमीटर की है, 15. आगे क्या बोला है, इज ईच सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू सेवरल इक्वल स्मॉल पोर्शन, हाउ मैनी. हमारे जितने भी 15 सेंटीमीटर है तो सब क्या है, छोटे छोटे स्मॉल पोर्शन में क्या है, डिवाइड है. तो आप देखोगे 15 सेंटीमीटर के अंदर जो डिवाइड किया गया है वो भी कितना है, 15 गैप है ना. काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना. तो 15 स्मॉल पोर्शन है. नेक्स्ट क्या बोला है कि एक सेंटीमीटर में कितने हैं. देखो तो यहाँ पे अगर मैं
14 से लेके 15 तक अगर काउंट करोगे उसके अंदर स्मॉल छोटी छोटी लाइनिंग कितनी है तो वो आपको दिखेंगी स्टूडेंट 10। कितनी दिखेंगी? 10, है ना। छोटी छोटी जो लाइनिंग है वो कितनी है? 10 है। तो 1 सेंटीमीटर हैविंग 10 स्मॉल पोर्शन। आगे क्या बोला है? ईच ऑफ दिस स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड द मिलीमीटर। मतलब जैसे आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे कि 14 से लेके 15 तक 1 सेंटीमीटर है, लेकिन उस 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटे छोटे और स्मॉल स्केल दी गई है। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो बराबर होता है किसके? 10 मिलीमीटर के। किसके बराबर है वो? 10 मिलीमीटर के, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 बारीक बारीक लाइनिंग है, मतलब 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इट इज़ अ स्मॉलर यूनिट देन द सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको बताया कि मिलीमीटर जो होती है वो सेंटीमीटर से छोटी होती है। जैसे सबसे बड़ी यूनिट अगर नॉर्मली एसआई यूनिट देखें तो क्या है? मीटर। मीटर से छोटा सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। आगे क्या बोला है? देखो, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर डेसिमल यूनिट ऑफ मीटर। ये सारे मीटर के डेसिमल यूनिट हैं। लुक एट योर रूलर केयरफुली, डज इट कंटेन अ यूनिट कॉल्ड अ इंच? आपकी रूलर के देखो। अब मैंने आपको इस साइड के बारे में बताया, इस साइड आप देखोगे ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस मार्किंग की गई है। तो स्टूडेंट ये जो मार्किंग है ना, ये मार्किंग है इंच की, है ना। किसकी मार्किंग है ये? इंच की। अब क्या बोला है देखो वहाँ पे कि एन इंच इज आल्सो एन एक्यूरेट यूनिट यूज टू मेजरिंग लेंथ बट इट नॉट अ एसआई यूनिट। इंच की हेल्प से भी हम क्या करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट कौन सी है? मीटर है, है ना। तो इंच भी बहुत सारी जगह इस्तेमाल करते हैं हम उसको मेजर करने के लिए डिस्टेंस को, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या बोला है। मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर आर यूज टू मेजर स्मॉलर लेंथ। मीटर इज यूज टू मेजर बिगर लेंथ सच एज लेंथ ऑफ क्लॉथ, द साइज ऑफ प्लेग्राउंड और द साइज ऑफ रूम। मीटर स्केल आर ऑफ डिफरेंट टाइप। अब मीटर स्केल अलग अलग टाइप की होती है। आपको यहाँ पे दिख रही है ये फैब्रिक जो कपड़े के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना, ये वाली स्केल। उसके साथ साथ ये स्केल भी आपने देखा होगा मेटल की, जो घर बनाने के लिए इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। ये स्केल आपने देखा होगा, आपके मैथ टीचर ड्राइंग टीचर ज़्यादातर ये स्केल को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया स्टूडेंट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छी से लर्न करना है कि 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मतलब कितने मिलीमीटर, ठीक है। नीचे देखो क्या दिया एक्टिविटी में अभी कि स्टेप 1 यूजिंग द रूलर स्केल मेजर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स एंड नोट इट बिलो। द मेजरमेंट आर द डन इन सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द लेंथ एच इज 2 सेंटीमीटर एंड 6 mm, राइट 2.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करना है? आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसकी आपको लेंथ ब्रेथ लेना है और हाइट लेना है, और इस यहाँ पे क्या करना है? मेंशन करना है, आप उसको सेंटीमीटर में मेज़र करो, है ना। तो आपको यहाँ पे एक एक्यूरेट मेज़रमेंट दिख जाएगा। स्टेप 2 क्या है? नाउ टेक द मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स यूजिंग वन ऑफ यूर फिंगर एंड नॉट द रूलर स्केल। फाइंड अ मेथड टू कंपेयर द मेजरमेंट टेकन इन बोथ द स्टेप, है ना। तो ये आप क्या करो, सेकंड स्टेप में आपके हैंड्स की मदद से उसको काउंट करो कि आपके हैंड का जो कितना पार्ट है वो ज्योमेट्री बॉक्स को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो ये एक एक्टिविटी है स्टूडेंट जो आपको आपके घर पर क्या करना है? परफॉर्म करना है, है ना। तो चलिए ठीक है, आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे देखेंगे। ओके।